कहा स्टोन स्टॉक ने बहुत ज्यादा इमरजेंसी में बुलाया है, इसलिए मैं तो तैयार होके भी नहीं आ पाया। ओ भाई कल बाबा तू तैयार होने के लिए करता है क्या भाई, वो कच्चा बनियान में ही तो घूमता है तू। हाँ तो उससे तो ठीक ही हूँ, कम से कम कपड़े तो पहनता हूँ, तू तो नंगा ही है। एक मिनट, व्हाट, ये सब क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना प्रिंकी भैया? मुझे क्या पता, ये बात तो अवेंजर से पूछनी पड़ेगी। एक मिनट, तुम लोग अपने घर पर इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स लगाकर लिटरली में डांस कर रहे हो? और नहीं तो फ्रैंकलिन हम क्या करें, ये बहुत खुशी का दिन है। ओ भाई साहब, ये बॉम्ब है क्या ये? ओ माय गॉड गाइस, अभी तक का सबसे बड़ा बॉम्ब मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना है, बट ये ग्रेनेड है या फिर ग्रेनेड का बाप, लिटरली में ये तो जायंट ग्रेनेड है। और टोनी स्टार्क, तूने अपने पूरे स्टार्क मेंशन पे ये बॉम्ब्स की बारिश क्यों करा रखी है, मतलब पूरी तरह से इनको सजा के रखा है भाई, क्या प्लान है, कम से कम मुझे ही बता दे। अरे फ्रैंकलिन इधर आ, तभी तो समझाऊंगा भाई। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, देखिए इतने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। अरे फ्रैंकी भैया जल्दी से इधर आ जाइए, अगर बॉम्ब फट गए ना तो आप ही फट जाओगे। अरे बात तो सही है यार, मैं तो दूर ही रहता हूँ भाई इतने बड़े बॉम्ब से, लेकिन ये सब टोनी स्टार्क ने पता नहीं क्यों सजा रखे हैं। हो सकता है गाइस टोनी स्टार्क का ना कोई नया प्लान हो इन सभी बॉम्ब्स को बेचने का, बट भाई इतने बड़े बॉम्ब कौन खरीदेगा, वर्ल्ड में तो वॉर भी नहीं चल रही और छोनी भी नहीं चाहिए यार वॉर, इतने बड़े बड़े वेपन्स लोग बनाएंगे ना तो और वॉर के भूखे बन जाएंगे। टोनी अब बताएगा तूने इतना सारा खतरनाक वेपन्स, ये सारा बारूद क्यों रखा हुआ है अपने घर पर, और इतना नाच क्यों रहा है, पहले तो नाचना बंद कर तभी तो समझ आएगा। फ्रैंकलिन देख, मैं ये लीवर पुल करके इस पूरे घर को रीइन्वेंट करने वाला हूँ, हम अपने घर को नया। अरे ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, अबे तू पागल हो गया है क्या, अपने करोड़ों के घर को तबाह कर रहा है? अबे तबाह नहीं कर रहा भाई, ये मैजिकल एक्सप्लोसिव्स हैं, जैसे ही मैं इन एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट करूंगा ना, मेरा घर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट अपग्रेडेड स्टार्क मेंशन 3.0 बन जाएगा। क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तक मेरा स्टार्क मेंशन 2.0 लेवल पर है, बट मैं स्टार्क मेंशन को अपग्रेड करने वाला हूँ, मेरा घर एक नया मेंशन बनने वाला है भाई। टोनी स्टार्क तू पागल हो गया क्या, बॉम्ब से जो तबाही होती है उससे यहाँ पे कहीं ना यहाँ तेरा घर कैसे बन जाएगा, वो भी 3 सेकंड में? अरे तुझे यकीन नहीं है क्या होगा है? तुझे अगर डेमो देके यकीन दिलाऊं तो वो तो पक्का मानेगा। डेमो, मैं को समझा नहीं गाइस टोनी कैसी बातें कर रहा है। एक मिनट रुक जा, देख ये दिखने में नॉर्मल एक्सप्लोसिव लगते हैं, नॉर्मल बॉम्ब लगते हैं, बट ये मैजिकल बॉम्ब्स हैं, मैंने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके इनको इन्वेंट किया है। देख ये एक छोटा सा टेंट है, ठीक है, ये बहुत बेकार सा घर है, ये समझ के चल। ओके समझ गया, अभी मैं उसको ब्लास्ट करने वाला हूँ। व्हाट, अरे भाई साहब तू जिस घर को देख रहा है उसको ब्लास्ट करने के पीछे क्यों लगा पड़ा है भाई? किसी गरीब को देते वो टेंट, कोई गरीब सर्दी में गर्मी में उसके अंदर रह लेगा? नहीं नहीं रुक तो जा, किसी गरीब को देना ही है तो उस घर को बढ़िया तरीके से बना के देते हैं ना। ओ भाई साहब गाइस ये टोनी तो ब्लास्ट कर रहा है। ओ भैया मैंने तुझसे पहले बोला था टोनी देख जल गया। अरे बाप रे, किसी गरीब को दे देता तो अच्छा ही रहता। गाइस ये टोनी बिल्कुल पागल हो गया है, देखा, शुक्र है मैंने इसका घर ब्लास्ट होने से बचा लिया, ये पता नहीं क्या करने वाला था। अच्छा जरा एक और बार पीछे देख। ओ माय गॉड ये क्या चीज है, हालांकि मैंने 3 सेकंड कहा था 10 सेकंड लग गए, बट वो टेंट अब ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा शानदार सा घर बन चुका है। तो सोच मैं अपने स्टार्क मेंशन को ब्लास्ट करूंगा तो वो कितना बड़ा बंगला बनेगा भाई। ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हुआ गाइस, कुछ तो चीटिंग हुई है, यही सच्चाई है फ्रैंकलिन, यही सच्चाई है गाइस, ये कैसे हो सकता है भाई। बट टोनी यार क्या गारंटी है, ये छोटा सा टेंट यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल घर बन गया तो तेरा घर तो ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा तो नहीं है तेरे जो वो बॉम्ब से सिर्फ बदसूरत चीजों को अच्छी बनाते हो, तेरा घर ऑलरेडी इतना खूबसूरत है अब वो क्या अपग्रेड होगा? अरे पागल है क्या, अपने हाथों से मैंने बनाया है, वो इवन इंसान को भी बदल सकता है, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं तुझ पे बॉम्ब लगाता हूँ तू भी बेटर हो जाएगा? नहीं नहीं भाई मेरे को ट्राई नहीं करना, ट्राई नहीं करना तो दूर रहेगा, ठीक है मैं अपना घर ब्लास्ट करने जा रहा हूँ। अरे चलो चलो हम भी देखेंगे, अरे बिल्कुल देखेंगे मजा आएगा। ओ नो गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे टोनी सुन मेरी बात प्लीज, ऐसा मत कर यार, घर को ब्लास्ट मत कर, पागल हो गया क्या फ्रैंकलिन, मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा है। चौबीस मुझे आयरन का सूट पहनाओ जल्दी। नहीं सूट क्यों, वेल सुनिए सूट के तेरे को गन से मारता हूँ, ले निकल जाए यहाँ से, मैंने तुझे यहाँ पर इतने प्यारे नई शुरुआत के लिए बुलाया था, तू मुझे मेरे काम को मेरे शुभ काम को करने में रोक रहा है, मेरे को अच्छी फील बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गाइस अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टोनी आज अपने हाथों से खुद के घर को बर्बाद कर लेगा, पागल हो गया है क्या भाई। ऑलराइट तो अब चलो यहाँ पे लीवर किया पुल। एक मिनट कुछ हुआ क्या? अरे रोकना थोड़ा होगा, बोला तो था 10 सेकंड लगती हैं। अरे बाप रे
ओह माय गॉड, टोनी तूने लिवरपूल कर दिया क्या? हाँ कर तो दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगता है वायरिंग में कुछ दिक्कत है, अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ। अरे हो गया ब्लास्ट, हो गया। वाह बधाई हो, हल्का घर ब्लास्ट हो गया। ये कितने पागल हैं, घर को तबाह करने पर हंस रहे हैं लिटरली में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका घर सच में अपग्रेड हो जाए, बट गाइज अगर तबाह हो गया तो मुझे तो गड़बड़ी लग रही है कुछ। अरे ये अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? अरे 11 सेकंड हो गए 10 की तरह, ये घर अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? और आग लगी पड़ी है अभी भी। लगता है आग ज्यादा बड़ी है, घर अपग्रेड हो गया है वो दिख नहीं रहा है। अरे बाप रे, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है यार। खैर थोड़ा सा वेट रोक लेते हैं, पता चल ही जाएगा। है हुआ तो सही, कुछ तो हुआ, जाके देखना पड़ेगा। ओ हेलो टोनी, कुछ हुआ क्या? अबे ये हल्क सामने इतनी धूल धूल मिट्टी मिट्टी सी कैसे लग रही है? एक मिनट, तुम लोगों ने पहले अपने घर को ब्लास्ट कर दिया और अब पूछ रहे हो कि यहाँ पे धूल मिट्टी क्यों लग रही है? ओह माय गॉड, बट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उस बॉम्ब ने छोटे से टेंट को इतना बढ़िया घर बना दिया था। तो इस हिसाब से तो ये सब बॉम्ब्स मिलके स्टार्क मेंशन को और बढ़िया बना देने चाहिए थे, बट इन्होंने तो भाई कचरा कर दिया पूरे घर का, जो एक नॉर्मल बॉम्ब करता ही है। पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। टोनी देख आकर अपनी आंखों से, मैंने पहले ही तुझे वार्न किया था, ये क्या कर दिया तूने? ओह नो, क्या हो गया फ्रैंकलिन, इतना क्यों रो रहा है? घर ज्यादा ही अच्छा है। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। अरे ये क्या हो गया, पक्का किसी ने बॉम्ब चेंज किए हैं फ्रैंकलिन, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मैजिकल बॉम्ब बनाए थे, वो घर को बेटर करने वाले थे, ना कि ब्लास्ट। या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने भी यहाँ पर मेरे घर को बद्दुआ लगाई है। मैं उसको पकड़ के रहूंगा फ्रैंकलिन, हम उसे ढूंढ के रहेंगे। भाई किसी ने बॉम्ब नहीं बदले, मैंने तो उससे पहले ही कहा था। एक मिनट, लेकिन अब ये बेचारे रहेंगे कहाँ पर? इनका तो पूरा घर तबाह हो गया, अपना सारा पैसा उन बॉम्ब्स को बनाने में लगा दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हल्के तो 3 बर्गर भी थे, वो भी ब्लास्ट में तबाह हो गए होंगे। हल्क ने बर्गर जान कर रखे थे घर के अंदर, जिससे कि वो अपग्रेड हो जाते। अब क्या होगा फ्रैंकी भैया लोगों का? मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे ये पीछे जो छोटा सा घर है, क्या तुम लोग उसमें रह सकते हो? अबे वो घर में भाई एक इंसान ठीक से नहीं रह पाया, तू देख तो ले, वो आर्टिफिशियल घर है भाई। मेरे पास एक आइडिया, चलो अब हम फ्रैंकलिन के घर पे रहेंगे जब तक हम कुछ जुगाड़ नहीं कर लेते और ये पता नहीं कर लेते कि हमारे ओरिजिनल घर को किसने ब्लास्ट किया। टोनी ये कैसी बातें कर रहा है? अबे तूने अपने घर को खुद ब्लास्ट किया यार, और अब तू मेरे घर को तबाह करने जा रहा है। ओह माय गॉड, सिंचन बिंचन चौप, हमें उनको रोकना पड़ेगा। अरे हमारे घर पे भी ज्यादा कुछ जगह नहीं है भाई, हमारा घर भी पुराना ही है। प्लीज मेरी कार में सेटो, मुझे यहाँ से जाने दो। देखा गाइस, मुसीबत आती है तो ये लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं लिटरली में। अबे निकल यहाँ से। हाँ निकल, अब से पहले तो तू बड़े एटीट्यूड में था फ्रैंकलिन। सुन तो सही भाई, तू यहाँ पर अपने दोस्तों को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। वो ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम ये जो स्टार्क मेंशन का छोटा सा घर है यहीं पर रहना पड़ेगा, प्लीज। अबे भाई वो घर बेकार है, तू ही बता उतने छोटे से घर में इतने सारे लोग कहाँ से रह लेंगे। अरे तू मेरा घर कौन सा बड़ा है, कम से कम इससे 2 गुना ज्यादा बड़ा है। वो तो ठीक है, अगर तुम मेरे घर में रहोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? तू कुछ जुगाड़ कर लियो यार, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं रेंट पर भी नहीं रह सकता। फ्रैंकलिन प्लीज, हमें यार किसी भी हाल में पता कराना पड़ेगा बॉम्ब किसने चेंज किया है जो मेरा घर तबाह हो गया। मुझे माफ कर दे, अब तू अपने घर पर कुछ दिन मत आना जब तक मैं अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ ना कर लो। टोनी नहीं, तू मेरा घर मुझसे नहीं छीन सकता। ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन, मुझे माफ करना भाई, मुसीबत के समय में तू ही इंसान है जिसके आगे मैं हाथ बढ़ा सकता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे तो ये बेहोश करना ही पड़ेगा। ले ले ले, टोनी के बच्चे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ दे। मम्मी ये तो मेरी हालत खराब कर दे रहा है। अरे बाप रे, वो सब क्या हो रहा है? ए टोनी भैया छोड़ दीजिए फ्रैंकी भैया को। अरे बाप रे, ये सिंचन पिंचन ना जाए। चलो चलो अवेंजर जल्दी चलो। ओ नो, ये क्या हो गया, मेरा पूरा घर हल्को भूख लगी है, हल्क सबसे पहले आके खाना खाएगा। ओ नो, किचन में ताजा ताजा खाना रखा था, अब ये लोग खा जाएंगे, पता नहीं घर का क्या करेंगे। जल्दी चलो, मेरे को तो शर्म आ रही है बाहर रहने में भी, मैं तो अंदर जाके घुस जाऊंगा, पूरी दुनिया क्या सोचेगी, अवेंजर्स ने खुद का घर खुद ही उड़ा डाला है। ओ नो, इन बेवकूफों को मैं देख लूंगा। सिंचन पिंचन चौप, अरे तुम अभी भी वहीं खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अरे अवेंजर्स हमारी कार लेके चले गए भाई, और हमारे घर में टिकने गए हैं वो। वाह भाई कलवे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, बॉम्ब्स ने लिटरली में यहाँ पर सच में इनका घर ब्लास्ट कर दिया, या फिर टोनी की बात सच है, किसी ने सच में बॉम्ब्स चेंज तो नहीं कर दिए थे? बट नहीं यार, टोनी एक बॉम्ब वहीं से उठाकर लाया था, उससे तो घर बन गया था टेंट का, और उसमें भी ये लोग रह नहीं रहे, मेरे घर पे कब्जा कर लिया। शुक्र है भाई कार तो सही सलामत है, बट घर भी सही सलामत होना चाहिए। आग, अरे अरे घर में आग लग गई है, ये क्या हुआ पड़ा है? मानो पावड़ा है, मैं इस आग को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रैंकलिन, चिंता मत कर। क्या अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरे घर में आग लगाकर डॉक्टर स्टेन तू क्या मैजिक सीख रहा है? और ये क्या भाई साहब,
इतना कचरा, ओ माय गॉड, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से लेकर डस्टबिन के डब्बे सब कुछ, छी छी सब कुछ यहीं पड़ा है। ये क्या हुआ पड़ा है? मुझे जल्दी से नए सूट के बारे में सोचना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं यहाँ पे पैसा कमा पाऊंगा लोगों की मदद करके। टोनी क्या कर रहा है? मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, प्लीज फ्रैंकलिन डिस्टर्ब मत कर मुझे। मेरे घर को तुमने कचरा बना दिया भाई। गाइस, अबे हल्के बच्चे निकल यहाँ से, क्या कर रहा है? अबे वो छतरी टूट जाएगी तेरे वजन से। हल्क कितना भी मोटा नहीं है, हल्क से मोटा तो उसका बर्गर है। अरे गाइस, ऐसे नहीं मानेंगे मुझे यहाँ पे ना। अब लिटरली मैं हार्श डिसीजन लेके इनको भगाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरे घर से नहीं निकले मैं पुलिस को बुला लूंगा, सबको भगा दूंगा। ओए फ्रैंकलिन, तू पुलिस नहीं बुला सकता, हम तेरे सच्चे दोस्त हैं, चल निकल यहाँ से। किस बात के सच्चे दोस्त? हाँ, मेरे सामने खुद का घर उड़ा के बैठ गए और अब मेरे घर पे कब्जा कर लिया। फ्रैंकलिन तू ही बताओ, हमारा घर तबाह हो गया, हम कहाँ जाए? मुझे नहीं पता, पर कम से कम मेरे घर पे तो तबाही मच मचा। डॉक्टर स्ट्रेंज हट यहाँ से, हट यहाँ से। पहले आग लगाता है बेवकूफ, फिर उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी इससे हो नहीं रहा है। अरे यार जिंजा मिंजा, जो फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। थॉर के बच्चे ले, घर तबाह हो गया है और ये लोगों को हंसने और नाचने और कूदने से मतलब है। और हल्क को कितनी भूख लगती है। टोनी अपना नया प्रोजेक्ट अपने टूटे फूटे घर पे जाके बना। फ्रैंकलिन सोचा नहीं था भाई तू मेरा साथ छोड़ देगा। उन्हीं कसम, बिल्कुल सही कहो, तो मैंने कहा था अपने घर को तबाह करने के लिए। हाँ, अरे तो मैं तो अपने घर को बैटर ही करना चाह रहा था। फ्रैंकलिन प्लीज ऐसा मत कर। फेकी भैया, अरे उनको कम मारिए, बेचारे फेस इसी टूटे पड़े हैं। देखा, देख रहे हो संजय मिंजन चौप, दोस्त दोस्त नारा। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, आज के बाद अपनी शक्ल भी तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगा। चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं, हमारा घर नहीं रहा भाई। मैंने तो घर को बेटर बनाने के लिए वो मैजिकल बॉन्स बनाए थे, मुझे पक्का यकीन है एक दिन देखना फ्रैंकलिन ये सच्चाई बाहर निकलेगी। कोई ना कोई तुझे जरूर बताएगा कि अवेंजर्स के साथ धोखा हुआ था, उनके घर को ब्लास्ट करने में किसी ना किसी का जरूर हाथ था। वो मैं पता लगा ही लूंगा, ना भी पता लगा पाया तो पता लगाते लगाते मर जाऊंगा लेकिन तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे टोनी सुन तो, अरे टोनी सर हम कहां जाएंगे? हम डूब के मर जाएंगे पर फ्रैंकलिन से कभी मदद नहीं मांगेंगे। सही कहा, बहुत बेइज्जती हुई है। ओह नो गाइस, कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया मैं। अवेंजर सुनो तो, गाइस मैं क्या करूं यार, अब मैं उनको अपने घर पर भी नहीं रख सकता। आप जानते हैं अवेंजर्स कितने ज्यादा लिटरली में भाई मनचले इंसान है, आप तो जानते ही नहीं। ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हल्क को खाने से फुर्सत नहीं, थॉर को नाचने से फुर्सत नहीं, टोनी को एक्सपेरिमेंट करने से फुर्सत नहीं, और डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं क्या ही करता रहता है। ये मेरे घर को दो दिन भी नहीं भाई ठीक से खड़ा रहने देंगे। देखिए ईंटें वीटें भी बाहर आई पड़ी है मेरे घर की, इनकी वजह से एक घंटे घर में रुके थे। लेकिन इतने खतरनाक ठंड के मौसम में अब वो कहाँ जाएंगे? वाह भाई कल बात हुई है, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए उसके बारे में। फेकी भैया, उनकी गलती तो है लेकिन हमें मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अवेंजर्स सैड भी हैं, गुस्सा भी है हमसे, तो क्यों ना उनको सरप्राइज दें। किस तरह का सरप्राइज? हम उनके घर को रेनोवेट करा देते हैं। रेनोवेट छोड़ो भाई, अब तो उनके घर को ना नई तरह से बनवाते हैं। गाइस अगर ऐसा हो गया ना तो भाई टोनी से लेके सारे अवेंजर्स खुश हो जाएंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट में ढेर सारे यस 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 लिख दो, जल्दी लिख दो भाई। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे इतना बढ़िया घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई कल लेकिन भाई पैसा कहाँ से आएगा? चिंता मत करो, उसका जुगाड़ भी हो जाएगा, पर पहले जाके देखना पड़ेगा स्टार्क मेंशन में कहीं अवेंजर्स हैं तो नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं अब ये बात अवेंजर्स तक ना पहुंचे। मतलब हम एकदम सीक्रेट रखेंगे भाई इस बात को और अवेंजर्स के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट स्टार्क मेंशन बनवाएंगे, वो भी उन्हीं की स्टार्क मेंशन वाली जगह पर। और गाइस साथ साथ में हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि क्या सच में टोनी की ये वाली सोच सही है कि उसके बॉम्ब्स किसी ने बदल दिए जिससे कि उसका डिस्ट्रॉय हो जाए ना कि अपग्रेड हो। अगर ये पता चल गया तो हम उसकी भी साथ साथ में बैंड ही बजा देंगे। ओ माय गॉड, एक समय पर कितनी खूबसूरत जगह थी यार ये स्टार्क मेंशन। देखिए डोर वोर सब टूटे पड़े हैं। वाह भाई कल वह आराम से भाई, और तू तो हमें भी तोड़ देगा। फेकी भैया ये घर तो अभी भी यही है। हाँ तो ये कहाँ जाने वाला है, पर इसमें रहेगा कौन? छोटा है वो लोगों के हिसाब से। ओ भाई साहब, गाइस देखिए यार मेरा तो भाई अभी भी दिल रो रहा है यार देख देख कर कि स्टार्क मेंशन की इतनी बुरी हालत, वो भी खुद अवेंजर्स के हाथों से हुई है। नहीं यार टोनी इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने घर को खुद उड़ा ले, कुछ तो दाल में काला है, किसी ने तो कुछ गड़बड़ की है। चलो इस सब बात का बाद में पता करेंगे, अच्छी बात यह है कि अवेंजर्स यहाँ है नहीं, हम आराम से यहाँ पर अवेंजर्स के लिए सरप्राइज वाला न्यू स्टार्क मेंशन 3.0 बनवा सकते हैं। बट उसके लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दूँ किसको? आइडिया, डॉक्टर मिक्सेड को कॉल लगाते हैं। क्या बात है बच्चे, कैसे याद किया? अरे डॉक्टर मिक्सेड जल्दी से ना टोनी के स्टार्क मेंशन आ जाओ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया डील है। अरे बच्चे लेकिन स्टार्क मेंशन तो तबाह हो गया, न्यूज़ में सुनने मिला था। अरे हाँ ना, आप वो तबाह वाले स्टार्क मेंशन पर ही आ जाओ। ठीक है बच्चे, बस अभी
ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तब तक मिक्सेड आता है ना, मैं यहाँ पे प्लानिंग कर लेता हूँ क्या कैसे कितने फ्लोर्स के साथ बनवाना है। बजट की भी दिक्कत है, कोई नहीं, पैसे का भी जुगाड़ हो ही जाएगा। फ्रेंकी भैया, डॉक्टर मिक्सेड भैया आ गए। अरे बच्चे, तू यहाँ पर ये घर का टूटा फूटा मलबा उठाना चाहता है मुझसे? हाँ वो तो मैं चाहता ही हूँ, तो मैं फिर नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। 100 करोड़ का? अरे डॉक्टर मिक्सेड उसको छोड़ो ना। अरे नहीं छोड़ सकता, 3 महीने से उसके पीछे था मैं, अभी मिला मेरे को कॉन्ट्रैक्ट। अरे मैं आपको उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, प्लीज स्टॉक मेंशन को ना आप स्टॉक मेंशन 3.0 बना दो, दुनिया का सबसे बेस्ट स्टॉक मेंशन बना दो। क्या बात है, कम से कम 300 करोड़ की लागत लगेगी। 300 करोड़, ठीक है आप बता दीजिए करना क्या है। सबसे पहले माल मसाला चाहिएगा, जल्दी एक काम कर, जा और जाकर माल मसाला खरीद और यहाँ पर डिलीवर करवा दे। ऑलराइट दोस्तों, हमें कुछ फैक्ट्रीज और कुछ वेयरहाउस पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा और स्टॉक मेंशन में सारा सामान डिलीवर करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं उधार ही खरीदूंगा सबसे सामान। ओ भाई कल भाई, लेकिन वो तेरे को उधार देंगे क्यों? अरे लास्ट टाइम अपने अपना घर भी तो रेनोवेट कराया था, तो मेरी जानकारी होगी है, उनको पता तो है, कुछ भी करके मैं उनके पैसे वापस लौटा ही दूंगा। बट फिलहाल तो गाइस मुझे अवेंजर्स की चिंता हो रही है, बेचारे पता नहीं कहाँ भट के घूम रहे होंगे। आप बताना दोस्तों उसके बारे में कुछ पता चले। अरे टोनी सर, अब हम कहाँ जाएं? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर असल में तुम लोगों को इनके पास लाने लाया हूँ। अरे ये तो गून गैंग है, गुंडों की सबसे बड़ी गैंग। मजा आ गया, अवेंजर्स का स्टॉक मेंशन पड़ गया ये सुन के। अरे ले लो मजे भाई, ले लो मजे। और तो कैसे मजे ना ले, तुम लोग हमेशा अमीर, हम लोग हमेशा गरीब, तो यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अरे भाई सुनो मेरी बात, फ्रैंकलिन ने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया, प्लीज हमें अपने घर में रख लो, हमें बस 3 दिन के लिए जगह दे दो। अच्छा ऐसे जगह नहीं देंगे, कोई नहीं चाहता तुम्हें जगह मिले। गाइस आप लोग ना प्लीज कमेंट में जल्दी से हार्ट का इमोजी स्पैम कीजिए, अगर आप अभी भी अपने प्यारे एवेंजर से प्यार करते हैं, क्या पता इनके दिल में रहम आ जाए और हमें घर दे दें। अच्छा ठीक है, अगर सब चाहते हैं तो हम तुम्हें 3 दिन के लिए घर दे सकते हैं। आ जाओ, हमारा घर टूटा फूटा है लेकिन जैसा भी है तुम्हें उसमें रहना पड़ेगा। हाँ रह लेंगे, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि हम सब रह पाए 3 दिन। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे कोई जुगाड़ ढूंढ लूंगा। आ जाओ, ये वाला घर चलेगा। अरे टोनी सर, घर तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मतलब ठीक है। चलो, चारों तरफ से देख लो, बहुत बढ़िया घर है। मैं क्या सोच रहा था टोनी, इन्हीं के घर पे ऊपर एक और घर बना लेते हैं, फिर वहां पर नीचे ये लोग रहेंगे, ऊपर हम रहेंगे, फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बात तो सही गई भाई, अपने आयरन मैन के एक्सपेरिमेंट भी मैं आसपास करता रहूंगा, आसपास काफी खेत वेत हैं तो किसी को चोट भी नहीं लगेगी। इन मूर्खों को क्या लगा, मेरी पूरी जिंदगी इन्होंने मुझे सताया, जितनी बार मैंने चोरी की इन्होंने मुझे इतनी बार पुलिस से पिटवाया, और ये ऐसे ही आके मेरे घर पे राज करेंगे, बताता हूँ। चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब होंगे और अवेंजर्स निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अब तो हल्क को बस बर्गर की भूख लगी है। अरे बर्गर भी मिल ही जाएगा, बस इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। चलो दोस्तों कर दे मुहूर्त। और बिल्कुल, ए भाई सुनो यार, मैं भूख भी लगी है यार। चलो अच्छी बात है, पास में पावर हाउस है तो यहीं से मुझे चाय। अरे मार दिया, यह क्या हो गया, मार दिया। इतनी दूर तो लोग नहीं उड़ते जितनी दूर घर उड़ गया इनको ब्लास्ट करने के चक्कर में। मजा आ गया, बल्ले बल्ले। ये क्या हो गया गाइस, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। प्लीज कमेंट में हार्ट का इमोजी और ये सैड वाला इंजर्ड इमोजी स्पैम कीजिए। फ्रैंकलिन को बताइए हम मर रहे हैं, हमें फ्रैंकलिन की जरूरत है। बुरे मर गए। ओके दोस्तों, फाइनली 2 डीलर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट। ओह एक मिनट, व्हाट? अरे टोनी, ओह माय गॉड, चलो अच्छा है टोनी मुझे मिल गया भाई। बट बाकी एवेंजर्स कहाँ पर है? और टोनी तेरा सूट ठीक हो गया यार? अबे सुन, अरे नहीं नहीं गाइस, मैं उसको सरप्राइज के बारे में नहीं बता सकता। अरे हाँ सुनी मेरी बात, सुन मैं क्या कह रहा था। अरे वो सॉरी, मुझे माफ कर दे, तूने काम कर, एवेंजर्स को ले जा और मेरे घर पर रह ले जितने दिन रहना है। और सुन, मेरे घर से बाहर मत निकलियो, ठीक है? शहर में अफवाह चल रही है तेरे से रिलेटेड, कोई बोल रहा है एवेंजर्स पागल हो गए, अपने घर को तबाह कर दिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है टोनी? हेलो, अरे क्यों मार रहा है, अभी भी गुस्सा है क्या टोनी? प्लीज मुझे माफ कर दे, I'm so sorry. Guys, comment में जल्दी sorry Iron Man लिख दीजिए ना, ये मेरी बात को मान जाएगा। टोनी सुनना भाई, गुस्से में भगा दिया मैंने तुझे अपने घर से, तू भी तो कर देता है यार, माफ कर दे, जाना रह ले मेरे घर पे। Oh no, guys, कहीं ये टोनी स्टार्क मेंशन ना पहुंच जाए यार, इसको पता चल जाएगा कि मैं इसके लिए घर बनवा रहा हूँ। एक मिनट, अब ये कहां पर जा रहा है? वाह भाई कल वाह, मुझे तो लगता है ये टोनी है ही नहीं भाई। नहीं यार, ये टोनी तो है, आयरन मैन ही तो है ये। अरे बाप रे, ये टोनी भैया को क्या हो गया, ये हमको क्यों मारे हैं? टोनी भैया हमको मत मारिए, हमको माफ कर दीजिए, चाहे तो हमारा घर रख लीजिए। ओह माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में भाई। अरे सिंचन बिंचन चौप भागो, बस यार ये स्टार्क मेंशन नहीं जाना चाहिए, हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। शुक्र है भाई वो शहर की तरफ चला गया, अच्छी बात है। बट ये हुआ क्या, वो बिना बोले बिना कुछ कहे डायरेक्टली पीटने लग गया, और ऊपर से दोस्तों
वो कुछ बोला क्यों नहीं यार, ये तो अजीब बात है। और अवेंजर्स कहाँ पर थे? ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है सोचने वाली। सिंचन पिंचन चॉप, अरे कहाँ पर गए तुम लोग, जल्दी आओ इधर। ओ माय गॉड, ये सिंचन पिंचन चॉप कहाँ गए? वाह भाई कलवे, वाह पूरी गाड़ी की बैंड बज गई भाई। एक मिनट चॉप, तू तो यहाँ है बट सिंचन पिंचन कहाँ है? वाह भाई तूने तो बोला था उनको भागने के लिए, वाह पता नहीं कहाँ भाग गए। ओह नो, हमें जल्दी से यार देखना पड़ेगा ये हुआ क्या। और यहाँ पर टोनी इतना बुरी तरह से पीट के क्यों गया? गाइस टोनी ठीक तो है ना? अगर वो ठीक है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। वैसे उसकी हालत देख के मुझे वो सही नहीं लग रहा था, वरना वो इतनी जोर से मैं पीटता नहीं यार। वाह भाई कल भाई बात तो सही कही, वाह लेकिन हम पता कैसे करें कि यहाँ पर टोनी इतना बुरा पीट के क्यों गया? सबसे पहले चॉप हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंचन पिंचन चॉप को ढूंढते हैं। सिंचन पिंचन चॉप, अरे कहाँ पर हो तुम लोग? कहीं गाइस भाग के। अरे जी तो रहे तुम लोग पीछे? ये फंकी भैया, हम गन लेने गए थे, अगली बार टोनी भैया ने हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ो, हमें उससे लड़ना थोड़ी है। आइडिया, न्यूज चेक करते हैं तब पता चलेगा। अरे बाप रे, पहले तो अवेंजर्स ने खुद का घर तबाह किया, वो बात तो एक बार को सीमित थी, लेकिन अब तो वो मेज बैंक से लेकर बाकी बिल्डिंग्स को तबाह कर रहे हैं। अवेंजर्स बन गए दुनिया के सुपर विलन्स, कभी सोचा नहीं था बचा। ओ माय गॉड, ये क्या? ओ नो नो, अवेंजर्स तो सुपर हीरोज हैं ना कि सुपर विलन्स, ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? भाई साहब टोनी इतना बुरा बन गया, मतलब उसका घर उसके हाथों से तबाह हो गया और मैंने उसको घर से क्या निकाल दिया भाई, वो तो सुपर विलन बन गया यार। अजी फिंकी भैया अब क्या होगा? हमें जल्दी से अवेंजर्स को समझाना होगा, वो मेरा गुस्सा यहाँ पर पूरी दुनिया पर नहीं निकाल सकता। टोनी को मुझे रोकना पड़ेगा। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। हल्क हल्क मेरी बात हल्क मेरी बात सुन, हल्क सुनता है? अरे बाप रे, हल्क क्यों मार रहा है? हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे हल्क I'm so sorry भाई, तू मेरे घर पे रह ले जाके, प्लीज ये तबाही करना बंद कर दे, ये क्या हो गया तेरे को? I'm so sorry guys, मैं तो इनके लिए यहाँ पे इतना बढ़िया घर बनवा रहा हूँ, 300 करोड़ का, ये मेरे को मारे जा रहे हैं। हंकी भैया अब क्या करें, क्या हम उनसे लड़े? नहीं नहीं नहीं, हमें पता करना पड़ेगा कि ये सब चाह क्या रहे हैं, ऐसे शहर में तबाही क्यों मचा रहे हैं। और एक और चीज समझ नहीं आ रही, यहाँ पर टोनी तो कुछ नहीं बोला और हल्क ने भी कुछ नहीं बोला, बस वो हल्क हल्क फोड़ेगा हल्क फोड़ा कर देगा। एक मिनट का, मेरी बात सुनो भाइयों बहनों, जैसा कि तुमको पता था पिछले 50-60 सालों से अवेंजर्स ने और उनके भी पूर्वजों ने हमारी दुनिया को अच्छी तरह से बचाया। बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब का दौर अलग है, सुपर विलन्स गायब हो चुके हैं तो सुपर हीरोज ने ही उनकी जगह ले ली है। एक मिनट, ये क्या कह रहा है पुलिस वाला? इसलिए आज से ये ऑफिशियल है, जहां भी अवेंजर्स का मेंबर मिले डायरेक्ट गोली मार दो, जिंदा या मुर्दा, 100 करोड़ का इनाम, सीधे 100 करोड़ का। अरे भैया मजा आ जाएगी। अरे ऑफिसर प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे दोस्त अवेंजर्स थोड़े भटक गए, उनके साथ धोखा हुआ है, उनका घर मतलब ये नहीं पता बट उनका घर जो ब्लास्ट हुआ है वो चाहते नहीं थे ब्लास्ट हो। बकवास बंद कर, तू नहीं का दोस्त, हम जानते हैं तुझे, अगर ज्यादा उनके साथ मिला रहेगा तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ओ नो गाइस, ये ऑफिसर तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अरे ऑफिसर इतना तो बता दो अभी अवेंजर्स कहां पर गए? वो यहां पर डैम की तरफ निकले हैं। डैम की तरफ? सिंचन मिशन, चलो हमें डैम की तरफ चलना पड़ेगा। आई थिंक अब हमें पता चल जाएगा कि अवेंजर्स का प्लान क्या है, वो ऐसे शहर में तबाही क्यों कर रहे हैं। बस मैं उम्मीद करता हूं कि अवेंजर्स मेरी बात को मान लें वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये खड़े भाई डैम के पास ही है लिटरली में। एक मिनट, ये फिर से नाच रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। और मैंने तो हल्की आवाज भी निकाल ली थी जिससे कि उस फ्रैंकलिन मोर को यकीन हो जाए कि ये मैं ही हूं। अरे पहले हमने अवेंजर्स का घर ब्लास्ट किया, उनके मैजिकल बॉम्ब हटाकर, खतरनाक वाले बॉम्ब लगाकर, बिल्कुल सही कहा, उसके बाद अवेंजर्स को ही बॉम्ब लगा के फाड़ के मार दिया। और उसके बाद अवेंजर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी कि अवेंजर्स सुपर विलन बन गए। बिल्कुल सही कहा, वो मूर्ख फ्रैंकलिन अब अपने ही दोस्तों को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलन समझेगा। बल्ले 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 बल्ले, बिल्कुल सही कहा, मजा आ गई, अब तो फ्रैंकलिन घर पे भी हम कब्जा कर लेंगे। क्या? एक मिनट, तो ये ब्लैक फ्रैंकलिन रेड होते, ओ माय गॉड। अजी बाप रे वेंकी भैया, और हमारे अवेंजर्स भैया के साथ क्या हुआ? ये लोग बोल रहे थे इन्होंने बॉम्ब लगा के इनको फाड़ दिया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात सुनो, तुमने जो किया मैं सब एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर अवेंजर्स का विश्वास तोड़कर गलत किया। यहाँ पर मैंने उनको कितना गलत समझा बेचारे टोनी को, टोनी की कोई गलती नहीं थी गाइस, बॉम्ब इन्होंने बदले थे। तो क्या कर लेगा तू? पहले ये बता अवेंजर्स कहाँ पर है? मैं सच्ची में मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा तेरे बारे में कुछ भी,
मुझे बस अवेंजर्स के बारे में बता दे। अच्छा तो अवेंजर्स के बारे में जानना है, तो चलो इन अवेंजर्स के बारे में बता देते हैं। आजा आजा जल्दी आजा, देख नीचे हैं, वो नीचे पड़े हैं। एक मिनट, कहाँ टोनी? टोनी हे मुझे भी देखना है। वाह भाई मैं भी देखूंगा, मेरा भाई अवेंजर कहाँ है? अरे डॉक्टर सिंह भैया, थोर भैया कहाँ पड़े हैं आप? अरे कहाँ है वो? अरे दिखेंगे दिखेंगे, रुको। लो मार दिया। वाह भाई कल भैया कैसे अवेंजर दिख गए हमको। मैं भी लो तो मैं भी अवेंजर्स के पास ही पहुंचा देता हूँ। अब तो मजा आ गया, एक ही बारी में यहाँ पर अवेंजर्स भी गए और फ्रैंकलिन भी गया। और मार मार इतनी आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, पूरी अच्छी तरह से मार, जिससे कि पूरी तरह से मर जाए। वाह भाई कल बाबा चले हमको, हम तो मर रहे हैं। चलो अब समय आ गया इस पूरे शहर पे कब्जा करने का, लेकिन उससे पहले इन मूर्खों को ऐसी जेल में डालता हूँ कि कभी बाहर ना निकल पाए। और बिल्कुल सही कहा, मजा आ जाएगी। ओह माय गॉड ये क्या हो गया? बाबा कल चाह तोड़ गया भाई, मोटे रेडल से बोल हमको यहाँ से जाना है भाई। गाइस मुझे पक्का बिलीव है अवेंजर्स ऐसे नहीं मर सकते, अवेंजर्स पक्का जिंदा होंगे। आप भी मेरी बात पे बिलीव करते हैं ना? करते हैं तो प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। ओए रेडल्क हमें बाहर निकाल दे। नहीं निकालूंगा, क्या कर लोगे? क्या करूं क्या करूं, आइडिया क्यों ना मैं हल्क को गुस्सा दिलाऊं? अरे मोटे मुच्छड़ रेडल्क, क्या बोला? मोटा बोला ये। हिम्मत है तो जाल तोड़ कर देगा। अरे तेरे बस की जाल तोड़ना भी नहीं है, मोटा हो गया है तू, उल्टा सीधा खा खा कर। अच्छा मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे फेकी भैया, अरे मरवाओगे क्या? अरे ऐसा नहीं है, एक बार ये गुस्से में जाल तोड़ दे तो हम यहाँ से इसको चकमा दे के निकल लेंगे। वाह भाई कलवे, वाह तेरी प्लान तो अच्छा भाई, वाह लेकिन ये हमारी बैंड अच्छी खासी बजाएगा, वो तो पता है थोड़ा बहुत तो पिटना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस मुझे एक गन चाहिए, सिंचा मुझे चौप कोई गन या फिर रॉकेट लॉन्चर मिसाइल है? अजी मुझे भैया इधर कुछ है। ऑलराइट दोस्तों अभी बताओ ले। फाइनली गाइस रेडल की तो अच्छी खासी पुंगी बजा दी मैंने, और आप बाप रे मेरे वेपन से ही मुझे ही मार रहा है। ब्लैक फ्रैंकलिन दिया छोड़ा गया है, सिंचा मुझे चौप जल्दी चलो, हमें ब्लैक फ्रैंकलिन के अड्डे पर चलना पड़ेगा और जाकर अवेंजर्स को बचाना पड़ेगा। अवेंजर्स पक्का जिंदा है, मेरा दिल कह रहा है लिटरली में भाई। ओके गाइस यहां पर आ तो, ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है? सन गॉड, आइस गॉड और लावा गॉड, इन सब के बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है? अरे न्यूज़ तो पक्की है। हाँ न्यूज़ तो पक्की है, सारे के सारे अवेंजर्स एक झटके में यहाँ पर बदनाम हो गए। मजा ही आ गया। बिल्कुल, और अब हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। अरे बाप रे ब्लैक फ्रैंकलिन प्लीज, तूने सब कुछ हमसे हमारा छीन लिया, हमारा भाई हमारा दोस्त फ्रैंकलिन हम पर यकीन नहीं करता, पूरी दुनिया के सामने हम धोखेबाज ठहरा दिए गए, अब क्या चाहता है? बिल्कुल सही कहा, हल्का बर्गर भी छीन लिया, प्लीज हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। या तो हमें मार दे या फिर हमें जाने दे, इस तरह से हमें तड़पा मत। अरे बाप रे बिल्कुल, इसी में तो मजा है, इसी में तो मजा है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा, सबसे पहले इस ब्लैक फ्रैंकलिन और इस रेड हल्क और ग्रीन हल्क की आर्मी को पीटता हूँ मैं। अरे बाप रे ये कौन मार रहा है? अरे ये फ्रैंकलिन का बच्चा जिससे जिंदा कैसे बच गया? ये लो सबको मार दूंगा। अरे बाप रे, अरे गॉड्स के बच्चों क्या कर रहे हो, हमें पीटता हुआ देखोगे या बचाओगे भी? अच्छी बात है मार दो, अरे हमारा ही फायदा है, हम अकेले दुनिया पर राज करेंगे। ये सब के सब लालची हैं। अरे सुनो अगर तुम सब अपनी जिंदगी खैर चाहते हो, मेरे दोस्त अवेंजर्स को छोड़ो। अच्छा हमें धमकी देगा? ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड किसको मार रहे हो तुम लोग? हाँ गॉड्स के बच्चों जल्दी बताओ किसको मार रहे हो? और तेरे चहेते दोस्त फ्रैंकलिन को। गाइस ये क्या, अरे यहाँ पर तो भाई तीन चार रॉकेट मिसाइल हैं और साथ साथ में बहुत सारी खतरनाक मिसाइल्स अलग से। वाह अब ये गए, ये बेशक यहाँ पर गॉड के बच्चे हैं पर हैं तो भाई बच्चे ही, रियल गॉड थोड़ी हैं, अभी इतने पावरफुल नहीं है ये, तो इसलिए हम इनको ह्यूमन वेपन से भी लिटरली में कुछ टाइम के लिए बेहोश कर सकते हैं। और ये क्या हो रहा है? बड़ी जोर की आग लग रही है, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद, क्या हो रहा है ये? ए, फ्रैंकलिन यू मारना चाहता है क्या? अरे हल्का दोस्त फ्रैंकलिन को बचाने आ गया। बिल्कुल मेरा फ्रैंकलिन आएगा, मेरा दिल गवाही देता था। फ्रैंकलिन मार मार इनको मत छोड़, इन्होंने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया भाई, हमारा घर तबाह कर दिया। और नहीं बचोगे नहीं तुम फ्रैंकलिन, तेरे पूरे परिवार को देख लूंगा, पापा को बुला कर आऊंगा। ओके दोस्तों फाइनली इनकी तो अच्छी खासी बैंड बजा दी, अब जल्दी जार तोड़ता हूँ, आइडिया मेरे पास तड़ गया। हे तुम सब के सब मेरे साथ चलो। फ्रैंकलिन ये कैसे बिहेव कर रहा है भाई तू? अरे हल्क से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? सबके सब मेरे साथ चलो समझे? तुम्हें क्या लगा बेटा मैं तुम्हारी जान ऐसी बचा लूंगा? अब तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बने रहोगे। अरे फ्रैंकलिन क्यों मार रहा है? अरे भाई ओए फ्रैंकलिन ओए बचाने वाला तो ऊपर वाला समान होता है, और तू तो बचाने वाला ही मारने वाला बन रहा है हमारे। चलो 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 जल्दी चलो, ज्यादा
नौटंकी मत करो। गाइस मैं इनको स्टॉक मेंशन लेकर जा रहा हूँ जिससे कि इनको इनका नया घर का सरप्राइज मिल जाए। अरे विंकी भैया आप इनको बताते क्यों नहीं है? अरे रुको ना, सरप्राइज रिवील हो जाएगा। गाइस आप सभी ना कमेंट में कांग्रेचुलेशन लिख कर तैयार रखो भाई, एक साथ से पोस्ट कर देना सबके सब। आ जाओ आ जाओ। ये कहाँ लाया भाई फ्रैंकलिन तू हमें? आओ ना एक बार, तुम चुपचाप ज्यादा बोलो मत। हाँ ऑलराइट, कांग्रेचुलेशन अवेंजर्स। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है भाई? तुम्हारा नया घर है क्या? अबे ये स्टॉक मेंशन तो कचरा हो गया था। अबे ये इतना खूबसूरत स्टॉक मेंशन कहाँ से आ गया भाई? अरे भाई 300 करोड़ की लागत में बनवाया है मैंने। क्यों आप रंगे? अरे ये क्या है, तुम्हारे घर का ऑफिशियल नंबर भी करवा दिया है मैंने। वाह भाई, अबे कितनी खूबसूरत लाइटिंग है, हेलीपैड से लेकर भाई न्यू फ्लोर तक आ गया है। अरे हाँ, ऊपर से स्विमिंग पूल का भी व्यवस्था कर दिया है मैंने, वो भी स्टॉक मेंशन के फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे भी। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। अरे वाह गाइस, देखिए रात में कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैरिज होम हो या फिर कोई खतरनाक मेंशन। अरे मेंशन ही तो है भाई। अरे फ्रैंकलिन यार, तूने ये सब हमारे लिए किया? अरे बिल्कुल। अरे हल्क तो बहुत खुश हो गया। बिल्कुल सही कहा गाइस, अगर आप भी अवेंजर्स के नए स्टॉक मेंशन का पूरा टूर लेना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, दबा के 500 प्लस कमेंट कर दीजिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।